शहर में विकट बन रही कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत नाइट कर्फ्यू का भंग करने वाले वैसे वाहनों को डिटेन करने की कामगिरी के साथ आरटीओ कचेरी में आज भारी लोगों की भीड़ इकट्ठा होते हुए यहां पर सरेआम नियमों का भंग और उल्लंघन नजर आया था। वडोदरा शहर में कोरोना वायरस की महामारी और ये संक्रमण की परिस्थिति दिन प्रतिदिन काफी गंभीर स्वरूप धारण कर रही है। ऐसे में अब ये संक्रमण को कम करने के आशय से पुलिस विभाग तथा कॉरपोरेशन की टीम द्वारा ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम की रचना करने के साथ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। बावजूद सरकारी कचेरी और विभागों में ही कहीं न कहीं नियमों का सरेआम उल्लंघन और भंग दिखने को मिल रहा है। जहां ये संक्रमण को कम करने के आशय से राज्य सरकार द्वारा लादे गए नाइट कर्फ्यू का कड़े रूप से पालन किया जाता है, तो वही नाइट कर्फ्यू यानी कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान बाहर निकले वैसे वाहन चालकों को रोकने के साथ अब उनके वाहनों को डिटेन करने की कड़ी कामगिरी की जा रही है। नाइट कर्फ्यू का भंग में पकड़े गए वैसे वाहनों को छुड़ाने के लिए आज वाहन मालिकों की लंबी कतारें आरटीओ कचेरी में देखने को मिली थी। शहर पास दर्जीपुरा विस्तार में आए हुए आरटीओ कचेरी में अपने वाहनों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर मानो मेला बना हो वैसे हालात नजर आए थे। यहाँ पर कोविड-19 सरकारी गाइडलाइन का कोई भी रूप से पालन नहीं होता हो वैसा नजारा बना था। सिर्फ मास्क पहनने के साथ वाहन चालक वैसे मालिकों के बीच लंबी कतारें देखने को मिली थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं होता था। आरटीओ कचेरी में किसी भी प्रकार की ये नियमों का चेक और पालन करवाने के लिए कोई भी व्यवस्था सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कोविड-19 की गाइडलाइन के आधार पर आरटीओ कचेरी में सिर्फ 50% कर्मचारी यहाँ पर कार्य पर हाजिर रहने के कारण सीधी असर वाहन मालिकों की भीड़ बन रही थी। सोशल डिस्टेंस का अभाव नजर आने के साथ यहां पर भारी भीड़ बढ़ते हुए आरटीओ कचेरी में ही सरकारी नियमों का सरेआम उल्लंघन दिया जाता था, तो वहीं वाहन मालिक वैसे नागरिकों में भी ये नजारे को देख काफी आक्रोश फूट निकला था, जिसमें सरकारी कर्मचारी पुलिस के बीच वाहन मालिकों की तू-तू मैं-मैं और विवाद के दृश्य भी घटित हुए थे, जिसमें वाहन मालिक वैसे नागरिकों ने ये नजारा बनने के साथ पुलिस स्टेशन से ही गाड़ी का मेमो भरकर उन्हें वाहन छुड़ाने की परमिशन देनी चाहिए वैसी मांग की थी। जहां आरटीओ कचेरी में आज बनी भारी भीड़ के बीच नागरिक और वाहन चालक वैसे वाहन मालिक और सरकारी कर्मचारियों के बीच तू-तू मैं-मैं के दृश्य घटित होते हुए आखिरकार पुलिस को भी स्थल पर दौड़ा चला आना पड़ा था। आरटीओ ऑफिस से जे वारसनी रोजे रोजे पुलिस वालाओ बधाने मेमो आपी दे छे। जेला 3 दिवस थी रजा हती, आजे चौथो दिवस छे। आजे व्यवहारिक रीते स्टाफ अहींया बहु अछत छे स्टाफ नी, अने अहींया भीड़ बहु लागेली छे। तो आ लोकोने सिस्टम बनावी जोईए कि ऑनलाइन मेमो भरी सके घर बेठा बेठा, एवी कोई सिस्टम रजू करवी पड़े ए लोकोने। आ लोको तापमां हેરાન કરે છે, આમાં મધ્યમ વર્ગીય માણસો જ ખાલી હેરાન થઈ રહ્યા છે। નોકરીથી રજા પાડીને અમે સવારથી લાઈનમાં ઊભા હતા, અભી જ્યારે અમારો નંબર આવ્યો ત્યારે એ લોકો કીધું કે કાલે આવજો, અમારા પાસે પૂરતો સ્ટાફ નથી। એક એક વ્યક્તિના જે પીયુસી જેની કોઈ લાગતું વળગતું નહીં, જેના 100 રૂપિયાની પીયુસી જે નીકળે છે એના 2-2 હજાર રૂપિયા દંડ લે છે, લાયસન્સના 2 હજાર રૂપિયા દંડ લે છે। આ બધા પૈસા આ લોકોની તિજોરીમાં ભેગા થાય છે, પણ આ લોકો સિસ્ટમની નામ પર આ લોકો ઝીરો છે બિલકુલ। ને આ લોકોને વિનંતી છે કે આ લોકોનો સ્ટાફ વધારવો જોઈએ, કાં તો ઓનલાઈન સરકારે એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે ઘર બેઠા ઓનલાઈન પીયુસી થી લઈને જેટલા બી મેમો ઈ ચલણ જે આપ્યા છે એ લોકોને, એ તાત્કાલિક ઘરે બેઠા ભરાવવું જોઈએ। જો કોવિડની ગાઈડલાઈન આ લોકો પૂરતા હોય તો, તમને લાગે છે કે કોઈ બી કોવિડની અનુસરી ગાઈડલાઈનના હિસાબે ચાલે છે? આ બધા ભેગા થયા છે, આમાં કોરોનાનું સંક્રમણ 100% વધવાની શક્યતા છે। જો કે આ ગવર્મેન્ટ ના હાથ અદ્ધર કરી લીધા છે, એ લોકો મેમો ફાડવાનું કામ કરે છે, પોલીસ અધિકારીઓને ટાર્ગેટ આપેલા છે કે આટલી ગાડીઓ ડિટેન કરવી જ જોઈએ। આજે 4-વ્હીલર છે, 2-વ્હીલર છે, એ રોજે એ લોકો ટાર્ગેટ આપેલા છે કે આટલી નિર્દોષ માણસોને કશું બી કરીને પકડો અને એ લોકોની ગાડીઓ ડિટેન કરો અને મેમા ફાડો। મારું નામ મલિક અનીસ છે, હું નવા હું હમણાં પણ એવું જ કહું છું કે એ ફેસિલિટી જો ચાલુ ફરીથી કરી દે તો આટલો આરટીઓમાં અહીંયા ઘસારો ના થાય। આરટીઓમાં ઓલરેડી સ્ટાફ 50% પૂરતું જ છે, ઓલરેડી અહીંયા પબ્લિક લાગેલી છે વધારે પડતી, અને ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનના અંદર સહી તહી સુધી કે ડિક્કીમાંથી પીયુસી ઓરિજિનલ આરસી બુક બી પોલીસવાળાઓ કાઢવા નહીં દેતા, અને પોલીસવાળાનું જે વલણ અભી અત્યારે અપનાવ્યું છે પોલીસવાળાએ કે જે નિર્દોષ પબ્લિક છે એને વગર ફોકટની હેરાન કરી રહી છે। 8 વાગ્યાનો લોકોનો લોકડાઉનનો ટાઈમ આપેલો છે, પણ 8:10 થાય છે, 8:15 થાય છે તો પણ આ લોકો નથી ચલાવતા, 10 મિનિટ બી લેટ હોય છે તો ગાડીઓ ડિટેન કરી દે છે। જે મારી રજૂઆત છે કે થોડી રહેમ દયા રાખવી પડે અને ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જ દંડ વસૂલવામાં આવે કે અહીંયા આટોમાં પબ્લિકને આવવું ના પડે, અહીંયા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ધજાગળ ઉડી ગયા છે।